कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन वॉशिंग में स्वर्गीय धर्मवीर धामी मेमोरियल क्रिकेट कप का शुभारंभ रोहित वत्स धामी ने किया। इस मौके पर आयोजकों ने उन्हें टोपी, मफलर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में 42 टीमें भाग ले रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मवीर धामी जी, वो हमेशा खेलों के प्रति, जिसको कहा जाता है कि ही वॉज ऑलवेज इन अप कमिंग एंड अप फोर्थ काइंड ऑफ अ गाय, जब भी किसी खेल की बात होती थी। जो हमारी, आप जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पास गैस एजेंसी है यहाँ पर कुल्लू में, तो आपको बताते हुए मुझे बड़ी वो होती है कि मेरे पिताजी को ये जो गैस एजेंसी है, ये स्पोर्ट्स मैन होने के नाते ही स्पोर्ट्स कोटे में मिली थी, क्योंकि उस समय पे वो हिमालयन कार रैली, जो पूरे वर्ल्ड की रैली होती थी हिमाचल, जैसे कि आप जानते हैं, जो कार रैली, हिमालयन कार रैली हिमाचल में, जो इंडिया में आयोजित होती थी 80s के दशक में, जो 87-88 में शायद बैन हो गई थी और उसके बाद बंद हो गई थी, तो उसमें मेरे पिताजी भाग लेते थे और वो कैटेगरी सी में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन थे, 4x4 रैंकिंग में नंबर वन थे और वर्ल्ड रैंकिंग में वो नंबर 5 थे। तो उस वजह से हमें ये गैस एजेंसी मिली थी। फिर जैसे कि आप जानते हैं, बाकी भी जितनी स्पोर्ट्स होते थे, बॉक्सिंग एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर आपका वॉलीबॉल एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट थे, क्रिकेट के जगत में आपको जान के ये बड़ी वो होगी कि 80s में जो संजय गांधी मेमोरियल ट्रॉफी यहाँ कुल्लू में आयोजित करवाई जाती थी, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें, रांची के प्लेयर्स और इंडिया खेले हुए बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आके खेलते थे और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स यहाँ पर आती थी। दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 2020 टूर्नामेंट, जो रिकॉर्डेड उसमें है, जो 2020 टूर्नामेंट है वो यहाँ पर कुल्लू घाटी में किया जाता था। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि पूरे देश विदेश में 2020 का जो क्रेज़ है कितना ज़्यादा है। तो ही वॉज़ अ विजनरी एंड ही वॉज समवन जो आगे की सोच रखते थे, और जितने भी खेल से जुड़े हुए युवा हैं वो सब आज की डेट में जानते हैं और उस चीज़ को पूर्ण रूप से मानते हैं कि धर्मवीर धामी जी जो थे वो हमेशा किसी भी स्पोर्ट्समैन के पीछे एक सुदृढ़, जिसको बोलते हैं पॉलिटिशियन की तरह और एक बड़े भाई की तरह या पिता की तरह, वो हमेशा खड़े होते थे और हमेशा किसी भी स्पोर्ट्स के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो बहुत खुशी होती है देख के कि आज जब वो नहीं है हमारे बीच में, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स जो आज का यूथ कर रहा है उनकी याद में, इसमें मैं आपको बता दूं कि मेरा एक रुपए का योगदान नहीं था। इन बच्चों ने खुद ये ऑर्गेनाइज़ किया, खुद इन्होंने चुना कि इन्होंने मेरे पिताजी के नाम पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, जो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय था। और जैसे आप कल देख रहा था मैं यहाँ पर कि मेरे पिताजी के मामा जी स्वर्गीय राजकृष्ण गौड़ जी की भी ट्रॉफी यहाँ पर मनाई गई, तो बहुत खुशी होती है जब रिकग्नाइज़ किया जाता है हमारे यूथ के द्वारा और हमारे आने वाली पीढ़ी के द्वारा, जिन लोगों ने हमारे इलाके के लिए अपना जीवन पूरा व्यतीत किया और जिन्होंने हमारे इलाके के लिए निस्वार्थ भावना से, जिन्होंने अपने घरों के पैसे इस्तेमाल कर करके जनता की सेवा की है, उन लोगों को आज की डेट में उनके मरणोपरांत भी याद किया जाता है और इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज अ फैमिली मेम्बर कि हम, मेरे पिताजी को इस ढंग से यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। मैं इस उपलक्ष्य पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दे हैव ऑर्गेनाइज अ वेरी गुड फंक्शन। ये जो आपका टूर्नामेंट है, ये इसमें 42 टीमें भाग ले रही हैं, ये 21 दिन तक चलेगा और इसमें से जो चुन के जो फर्स्ट आएगी टीम उसको पहला इनाम जो पुरस्कार रखा गया है 66,666 रुपये का, और जो द्वितीय इनाम रखा गया है वो 33,333 रुपये का है, तो जो एक बहुत ही सराहनीय राशि है। तो आई वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने ये सारा आयोजन किया है, और इस तरह का आयोजन हमारे यहाँ के यूथ के लिए
खास करके आज के दिन में जब हम यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, ड्रग्स का बहुत बुरा कहर हमारे यूथ के ऊपर पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे पहुँच चुकी है, बाकी चीज़ें बहुत बदतर हो चुकी हैं, आज की डेट में इस तरह के फंक्शंस और इस तरह के टूर्नामेंट्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना जो यूथ है, आगे की आने वाली जनरेशन है, उनके दिमाग को हम कहीं ना कहीं लगाए रखें, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ये बात ये नहीं है कि हमारा यहाँ का यूथ चिट्टा करना चाहता है या और नशे करना चाहता है, उनके पास करने को कुछ और नहीं है और कहीं ना कहीं वो गलत कंपनी में पड़ के इन गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं, इस तरह के जो आयोजन हैं, उनके अगर हम जैसे लोग जो आज की डेट में राजनीति में हैं या किसी पद पे बैठे हैं, तो हमें इन चीज़ों का हेल्प करनी चाहिए, इन लोगों को और इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि हमारे यूथ को कुछ तो करने को रहे, सोचने के लिए उनको रहे। तो आई रियली वांट टू थैंक दीज पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दिस इवेंट। और बस इतना। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।